कॉज एंड मनी, देखो प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, अभी आपने को कॉज एंड मनी बनना है। कॉज एंड मनी के लिए हम लोग जाएंगे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको एक मिलता है बटन, इस पे क्लिक, मैनेज कॉज एंड मनी अकाउंट, यहाँ पे जाना है मैनेज कॉज एंड मनी अकाउंट। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन बैंक मिलेंगे, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो मेरा रेकमेंड हमेशा रहेगा कि आप एक्सिस बैंक चूज करो। क्यों? तो एक्सिस बैंक में चूज करने से बेनिफिट क्या है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू से भी फंड पैसा दे सकते हो, मतलब आप नेट बैंकिंग के थ्रू से भी पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। यदि आप दूसरा बैंक चूज करते हो तो आपको आरटीजीएस या एनएफटी करना पड़ेगा या बैंक में जाकर डिपॉजिट करना पड़ेगा चालान के थ्रू से। तो मैं दोनों प्रोसेस बताता हूँ। एक्सिस बैंक में दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, नेट बैंकिंग भी और आरटीजीएस एनएफटी भी चालान के थ्रू से। तो यहाँ पे दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, पर यदि आप दूसरा बैंक आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक चूज करते हो तो आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। देखो करना कैसे है? पहला है तो आपको मिलेगा करना, डिपॉजिट कितना है तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट बता देगा 5,000, उतना ही आपके पास बैलेंस होना चाहिए। ये अकाउंट नंबर जैसे आप चूज करके डालेंगे, 1 से 2 घंटे के बाद आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे क्रिएट, जनरेट चालान एंड व्यू स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग चालान के देखते हैं, तो यहाँ पे करेंगे डाउनलोड चालान। कितना करना है मुझे? 5,000 का, 5,000 डाउनलोड चालान। देखो ये चालान डिपॉजिट हो गया, डाउनलोड हो गया, इसमें बेनिफिशियरी नेम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा है, आईएफएससी कोड लिखा है, यहाँ पे आपको आरटीजीएस या एनएफटी करना है। पर एक चीज ध्यान दो, ये जो अकाउंट नंबर है ये नॉर्मल अकाउंट नंबर नहीं है, ये हमारा 1, 2 के 3 फॉर्म में दिखा रहा है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई का होता तो ये एबीसीडी के फॉर्म में होता था, तो ये नॉर्मल अकाउंट नंबर नहीं है। ये अकाउंट को मुझे भी ध्यान से गया, वर्चुअल अकाउंट बोलते हैं, वर्चुअल अकाउंट नंबर। तो आपको ये वर्चुअल अकाउंट के थ्रू से ही भरना पड़ेगा। देखो यहाँ कहीं लिखा भी होगा ये वर्चुअल अकाउंट है, ये वर्चुअल अकाउंट के थ्रू से ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं यहाँ नहीं लिखा है, पर ये वर्चुअल अकाउंट है। इसी तरह से आप यहाँ पे डिपॉजिट आरटीजीएस या एनएफटी कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन जैसे मैंने बोला था आपको क्रिएट, फिर ये सिर्फ एक्सिस बैंक में ही अवेलेबल मिलेगा। एड फंड, यहाँ पे करेंगे डाउनलोड चलन की जगह पे एड फंड। तो यहाँ से आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, मुझे 5,000 पे करना है, 5,000 पे। पहले गूगल पे वगैरह से भी हो जाता था, अभी गवर्नमेंट के नए आरबीआई नॉर्म्स के आया और तब से गूगल पे फोन पे से वर्चुअल अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना बंद हो गया, तो अभी नहीं हो रहा है, नहीं तो पहले हम लोग कर सकते थे। यहाँ क्रिएट टर्म्स एंड कंडीशंस, और यहाँ पे यदि आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो यहाँ से, अदर्स बैंक में है तो यहाँ से। बैंक कौन सा बैंक में है आपका? मेरा बैंक ऑफ इंडिया में, मान लीजिए 9518327077 ईमेल आईडी। ₹11.80 आपको बैंक चार्जेस देना पड़ेगा। अलग कैसा है रिटेल में, तो रिटेल इंटरनेट बैंकिंग डायरेक्ट आ गया, यूजर आईडी पासवर्ड डालो, सबमिट कर दो और फिर आपका पेमेंट होने के बाद अपडेट बैलेंस में क्लिक कर दो, आपका अपडेट बैलेंस तुरंत हो जाएगा। ये आपका प्रोसीजर है। तो ये दो तरीके से आप फंड यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, यदि एक्स्ट्रा कर लिया तो आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हो, पर जब आप एक्स्ट्रा करेंगे वही फंड आप विड्रॉल कर सकते हो। स्टेटमेंट वगैरह देखना है तो यहाँ से आप स्टेटमेंट देख सकते हो, अभी तक आपने कब कैसे कहाँ पे कितना डिपॉजिट किया, भी अकाउंट स्टेटमेंट।
तो यहाँ पे मेरा आपको स्टेटमेंट दिख जाएगा, अभी मैंने खाली 5000 डिपॉजिट किया है 22 मई को, तो ये दिख रहा है। आमिर सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन, मनी जो है ना हमें और भी डिपॉजिट करना होता है जबकि एक्सेस ऑर्डर आ जाए, बहुत सारे ऑर्डर आ नहीं, वो अलग, वो अलग, वो कॉजन मनी नहीं है, वो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, वो कॉजन मनी नहीं है, कॉजन मनी एक ही बार डिपॉजिट करना होता है। हाँ, यदि आपको कोई पेनल्टीज वगैरह लगता है और पैसा कम हो जाता है तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, या आपका टर्नओवर बढ़ जाता है तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, नहीं। और वो जो दूसरा अमाउंट वो डिपॉजिट करना था, वो नॉन रिफंडेबल है, वो डिपॉजिट नहीं, वो फीस है, चार्जेस है, उसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल है। ठीक है, वो कहाँ पे हम देते हैं एएमसी? मैं आपको आगे बताऊंगा सर, वो अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ना, जब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। सर यहाँ पर बैंक का आपने बोला एक्सिस बैंक का, इसको चेंज कैसे करेंगे? जैसे मेरे में दिखा रहा है नहीं, चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया, उसको चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये तो अपने डाला नहीं है तो ऑटोमेटिक ले रहा है? ऑटोमेटिक नहीं लिया है सर, कहीं ना कहीं आपने, कहीं ना कहीं किसी को ना किसी ने डाला है। अच्छा, हाँ, तो ही वो आया है, ऑटोमेटिक नहीं आता है यहाँ पे कुछ। क्लियर है, कुछ डाउट है किसी को और? हेलो, हाँ बोलिए सर। सर पूजा डिस्ट्रीब्यूटर से, ये आपने बोला अपडेट बैलेंस कब करना पड़ता है? समझो कभी मेरे पास 5000 का मेरे पास बैलेंस पड़ा है। नहीं पड़ा है तो नहीं, आप जब कोई नया आप बैलेंस इसमें डालोगे तो अपडेट बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो ये पैसा वो ऑटोमेटिकली फिर अपडेट हो जाएगा। मान लो मैंने और 5000 मुझे डालना पड़ा तो मैंने और 5000 डाला, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं अपडेट बैलेंस पे क्लिक कर दूंगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ गया, इधर कम होता है तो डालने की जरूरत रहती है? हाँ, तो ही नहीं तो नहीं। ठीक, विदाउट कॉज एंड मनी आप कुछ भी जेम पे काम नहीं कर पाओगे, याद रखो, कैटलॉग अपलोड नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना प्रोफाइल ही देख पाओगे, बाकी कुछ काम नहीं कर पाओगे। कॉज एंड मनी इज मैंडेटरी, डालना ही पड़ेगा। सर एक चीज और है, ये जैसे वर्चुअल अकाउंट नंबर दिखा रहा है आईसीसी बैंक में डाला हुआ है, हाँ हाँ, वर्चुअल अकाउंट नंबर, अगर मैं ये अकाउंट नंबर को ऐड करूं मेरे अकाउंट में जाकर के बैंक में होगा? नहीं, आपको वहाँ पे वर्चुअल अकाउंट का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे जाके ऐड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आईसीआईसी बैंक में वर्चुअल अकाउंट का अलग से ऑप्शन है, वहाँ पे जाके ऐड करना पड़ेगा। नहीं हाँ, या तो फिजिकली या तो आप नेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग में भी वर्चुअल अकाउंट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके वो अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, वर्चुअल में, नॉर्मल में नहीं। यदि आप HDFC में देखना चाहते हैं तो मैं आपको HDFC का मेरे पास अकाउंट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ वर्चुअल अकाउंट, पर ICICI में मुझे किया हूँ, मतलब दिखा तो नहीं सकता।